जब मैं वहाँ उनके घर गई तो तरकश जी बहुत डिस्टर्ब थे। काम के सिलसिले में कोई भी डिस्टर्ब हो सकता है। सरबजीत जी, पूरा घर बिखरा हुआ था और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने ये सब कुछ किया हुआ है। परम भी तो घर बिखेर के रखता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी और आपकी लड़ाई हुई है। सरबजीत जी, तरकश जी के हाथों पे खून लगा हुआ था। खून? आपने पूछा वो खून? जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो फल काट रहे थे इसलिए जरा सा। देखा, एक भी बात ये साबित नहीं करती कि तरकश जी अपनी वाइफ को मारते हैं। सरबजीत जी, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरा दिल ये जानता है कि तरकश जी सच्चे हैं, रब का नेक बंदा है वो। बंदा नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। और मुझे ताजुब इस बात पे हो रहा है कि आप उनकी साइड ले रहे हैं। मैं किसी दरिंदे को बचाने का सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन सरबजीत, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं अगर गलती से भी आपने ये प्रूफ कर दिया कि तरकश जी सब में इन्वॉल्व्ड हैं, तो मैं तरकश जी को खुद सजा दिलवाऊंगा। और ये सरबजीत सिंह गिल का वादा है आपसे। लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ होना ही नहीं, क्योंकि ये आपके दिल का वहम है। वरना वहां जाकर आपको कोई ना कोई सबूत तो मिलता ना। सरबजीत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरती जी ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सब गलत है, सब झूठ है।